रोहतक सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में है, जिसने भिवानी में रेड कर गैस की कालाबाजारी का भांडा फोड़कर 100 से ज्यादा घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद कर किसी बड़ी अनहोनी को रोका है। गैस के दामों के साथ साथ गैस की कालाबाजारी भी बढ़ने लगी है, जिसकी वानगी भिवानी में देखने को मिली। बताया जाता है कि रोहतक सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि तिगड़ाना लिंक रोड पर खेतों में गैस की कालाबाजारी का धंधा किया जा रहा है। जब सीएम फ्लाइंग ने सूचना के आधार पर रेड की तो टीम हैरान रह गई। यहां खेतों में खंडर हुए मुर्गी फार्म में 10-20 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा घरेलू सिलेंडर व व्यावसायिक गैस सिलेंडर, एक दूसरे गैस सिलेंडर में गैस भरने के लिए दर्जनों पिन, तोल के लिए कांटे व छोटी गाड़ी सिलेंडरों की सप्लाई के लिए खड़ी थी। इस अवैध कारोबार के मालिक अमरलाल पंजाबी को भी सीएम फ्लाइंग टीम ने उसके कारीगर सहित मौके पर दबोच लिया। सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर आजाद ढांडा ने बताया कि अमरलाल पंजाबी ने ये अवैध कारोबार 15-20 दिन पहले शुरू किया था। उन्होंने बताया कि ऐसे बिना अनुमति व सुरक्षा से गैस एक दूसरे सिलेंडर में भरना, बिना सील के सिलेंडर में वो भी मात्रा से कम गैस बेचना, ना केवल उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालना है बल्कि गैस लीक होने के चलते कोई बड़ी अनहोनी की भी आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी को जितनी सजा मिले वो कम है। निश्चित तौर पर गैस के बड़े दाम लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन चंद पैसे के लालच में लोग अवैध धंधा कर रहे हैं व साथ ही आसपास के लोगों के लिए जान जोखिम में डालने जैसा कार्य कर रहे हैं। कालाबाजारी जांच का विषय है। इसने जो है ना, एक तो खुले दिल से जिस हिसाब से ये चोरी चपारी जो भी कर रहा था सिलेंडर की, मेरे समझ में नहीं आती, लोगों का भय खत्म हो गया। इसने कमर्शियल और घरेलू गैस के सिलेंडर करीब हमने 104 बरामद करे। इससे ये एक मुर्गी फार्म है देवेंद्र राजपूत का, तिगड़ाने का, उसका बंद पड़ा है मुर्गी फार्म का, तो काम यहाँ चल नहीं रहा। ये अमरलाल नाम का पंजाबी है, हाँसी गेट का, अपने भिवानी का। इसने एक नौकर रख रखा है अपनी उस पर गाड़ी पे। इसका कहने के मुताबिक ये कहता, मैं किसी भी गैस एजेंसी पर ले आऊँ, कोई रोक टोक नहीं है। इसके पास ना कोई कापी है, ना कोई सिलेंडर चल रहा है। इसमें करीब 40 सिलेंडर भरे हुए हैं। हमने जो पकड़ा है, ये पकड़ा है कि ये अगर कोई बात हो जा तो यहाँ फसल पकने को हो रही है, तो बहुत बड़ा हादसा जो है टल गया है। अगर जनता में ये यहाँ चारों तरफ अगर फसल काटने के लिए लोग आएंगे, अगर यहाँ 20-30 आदमी लामनी करते हों, और कोई बात तो हो जाए, हादसा हो जाए, फसल पकने के बाद आपने पता कितनी आगजनी बनती है, तो इस आदमी को जो इतना दंड दिया जाए उतना कम है। तो कैसे गड़बड़ कर रहा था ये, छोटे से बड़े में क्या कर रहा था इसका? मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये क्या करता है कि जैसे चाय वाले है लोग हैं, दूसरे ढाबे वाले हैं, उन पर सरकार की मनाही है भाई घरेलू गैस यूज़ नहीं करेंगे आप, तो इसने अपना नया तरीका अपना लिया। ये घरेलू गैस ले आता है, सिलेंडर ले आता है, कमर्शियल ले आता है। मुझे ये बताओ ना पहले तो कि कमर्शियलर इतने सिलेंडर ले कैसे आया है? नंबर एक, दिन के पास कोई खाता नहीं इसके पास, कापी पर दो मिल जाए, चार मिल जाए। एक बात और इसने नहीं कही है, वो भी जांच का विषय है, कि मेरे पास कापी है। अब इसके पास यहाँ कापी मिली नहीं, तो घर पर कापी होगी, जाँच करेंगे। कहता है कि 20 सिलेंडर मैं कमर्शियल के रख सकता हूँ, वो भी एक्ट में देखना पड़ेगा। तो कितने दिनों से कर रहे हो कुछ पता चला? इसके कहने के मुताबिक तो क्या माने, अब तो जांच का विषय है, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि काफ़ी ज़्यादा दिन से नहीं है। मैं, मेरी नज़र से छुप नहीं सकता। भिवानी में आप बताइए कोई चीज़ छुपी हो तो, हमने पीछे शराब की फैक्ट्री पकड़ी, कोई भी चीज़ है, मेरे जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर नज़र रखते हैं। इस प्रकार की बात नहीं कि इसने कोई कलम्बा चौड़ा किया है, हमने जल्दी पकड़ लिया इसको, शायद 15-20 दिन हुए होंगे।